आदाब और नमस्कार, नोवे इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है। आइए देखते हैं पूरी खबर नोवे इंडिया न्यूज के साथ। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को ले जा रहा भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। CDS जनरल बिपिन रावत के साथ एक IAF Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास आज दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। भारी धुंध के बीच नांजप्पनचथिराम इलाके में दुर्घटना हुई और शुरुआती दृश्यों में हेलीकॉप्टर को आग की लपटों में देखा गया। CDS के सैन्य अताशी ब्रिगेडियर लीडर भी बोर्ड पर थे। IAF के एक ट्वीट के अनुसार जनरल बिपिन रावत बोर्ड पर थे। ट्वीट में कहा गया है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दी गई हैं। मैं अतीक रहमान, नोवे इंडिया न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रोजाना बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।